ये जो डिजाइन है ना, ये लखनवी कारीगरी के नायाब नमूने हैं। इन्हें तुम बाकी डिजाइन के साथ मिक्स करके मत पेश करना। इन्हें इबादत, इबादत। हाँ हाँ अम्मी। क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैं परेशान नहीं हूँ अम्मी, आप कुछ डिजाइन के बारे में। ये उदासी, ये उलझन, ये तुम्हारे चेहरे पर नहीं जचते। तुम मन्नत से हुई बहस को लेकर परेशान हो ना? इतना मत सोचो, मन्नत तुम्हारी बहन है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो रिश्तों का लिहाज जरूर करेगी। वो तुम्हारे और सुभान के बीच में कभी नहीं आएगी। बात सिर्फ मन्नत की नहीं है अम्मी, काफी दिनों से मुझसे बात करना तो दूर, सुभान ने ढंग से मेरी तरफ देखा भी नहीं है। अभी मुझे लगता है कि हमारे रिश्ते को किसी की नजर लग गई है। नहीं मेरी बच्ची, कोई नजर वजर नहीं लगी है। मियां बीवी के रिश्ते के बीच में ये धूप छांव का मौसम तो बना रहता है। रिश्ते की रस्सी जितनी मजबूत होती है ना, उतने ही उसमें बल पड़ते हैं। ये नोक झोंक, ये लड़ाई झगड़े, यही तो शादीशुदा जिंदगी का कहना होते हैं। और जब ये खत्म होते हैं ना, तो शादीशुदा जिंदगी जैसे ठहर सी जाती है। अगर सुभान के साथ कोई नाराजगी है, जो भी गलतफहमी है, जो कुछ भी है, तुम सुभान से बात करके उसे सुलझा लो। बात ही तो नहीं कर रहा है सुभान। अम्मी मैं उसे क्या समझाऊं, कैसे पूछूं, क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि सुभान तुमसे किसी बात को लेकर नाराज है और वो तुम्हें बताना नहीं चाहता। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, तुम्हें पता करना होगा कि वो किस बात को लेकर नाराज है और अपनी गलती सुधार लो। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, सब ठीक होगा। क्या हुआ सुभान, तुम अपनी कार क्यों रोकती? मन्नत, तुम यहाँ से घर चली जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा। फिर क्यों? मैं नहीं चाहता कि हम दोनों को कोई एक साथ देखे। घर में किसी ने हम दोनों को एक साथ देख लिया तो काम का बवाल हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। प्लीज वो जाने दो ना सुभान, हमारे पास रीजन है, जवाब है। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। मैं डर किस बात का, हमें तो सबको बता देना चाहिए कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो और मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। अमित, मैं जो कह रहा हूँ प्लीज करो ना, सही वक्त आने पर मैं घर वालों को तुम्हारे और मेरे बारे में बताऊंगा। जो मैं तुम्हारे बारे में फील करता हूँ सबको बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। और प्लीज सर, जो कुछ भी तुम्हारे मेरे बीच में हुआ, जो कुछ भी बातचीत हुई, इस पर भी किसी को मत बताना। ओके सुभान, पर तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा, तुम जल्द से जल्द सबको हमारे बारे में बताओगे और सबके सामने मुझे अपनाओगे। वादा कर। I promise. I love you, सुभान।